गेम में एक नई वो MP40 आ गई है, तो भाई आज इसका फुल डिटेल रिव्यू और कंपैरिजन करने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो भाई हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को भाई, कि इस MP40 में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो अपनी कोबरा MP40 से अच्छी है कि नहीं? तो पहले लेवल पर इसका लुक कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठीक दिखती है लेकिन ज़्यादा भी ठीक नहीं। तो भाई ये अपनी न्यू ईवो MP40 का लुक कुछ फर्स्ट लेवल पे ऐसा दिखेगा, और सेकंड लेवल पे किल एनिमेशन पे भाई, मतलब ऊपर जो हेडिंग आता है ना, वो हेडिंग का एनिमेशन कुछ ऐसा रहेगा। तो भाई अब तक कोबरा बंडल का ज़्यादा अच्छा लग रहा है कोबरा MP40 का, तो फिर ठीक है। लेकिन नई MP40 तो थोड़ा बहुत चेंजेस किया है लोगों ने ताकि अलग दिखे। तो भाई थर्ड लेवल पर लुक चेंज हो जाता है भाई, लुक तो अच्छा दिख रहा है इसका, थर्ड लेवल बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। तो भाई यहाँ पर इसने कोबरा MP40 को टक्कर दे दिया है लुक के मामले में। और भाई यहाँ पे हिट एनिमेशन, तो भाई हिट एनिमेशन भी इसका ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इस MP40 का, और किल एनिमेशन भी भाई बहुत सही है, मतलब इतना सही किल एनिमेशन तो अब तक किसी ईवो गन का नहीं आया था। और भाई 6 लेवल पे फिर से इसका लुक चेंज हो गया, लुक में बहुत ज़्यादा ही ओपी दिख रही है। अपनी कोबरा MP40 भी अच्छी है लेकिन भाई इसका लुक कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रहा है। तो भाई 7वें लेवल पर बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगी ये MP40, आप लोग भी देख लेना। तो भाई ये यहाँ पर अपनी MP40 7 लेवल की हो चुकी है, और ये भाई कितनी ज़्यादा ओपी दिख रही है भाई इसका एनिमेशन। और अपनी कोबरा MP40 भी फुल टक्कर की इसकी गन है, तो भाई उसमें भी बहुत ज़्यादा ही ओपी दिखती है अपनी कोबरा MP40 भी। तो इधर इमोट हम लोग देख लेते हैं। तो भाई इमोट अपने को अभी जो नई MP40 आ रही है उसका इमोट को ज़्यादा ही अच्छा एडवांस दे दिया है लोग ने, तो वो भी बहुत सही लगा मेरे को देख के। तो भाई इसका एट्रीब्यूट क्या है? तो भाई इस MP40 का एट्रीब्यूट है डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज और मूवमेंट स्पीड माइनस है इस MP40 में। तो आज के वीडियो के लिए इतने।